जय नारायण बच्चों, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 7 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों, हिंदी में कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे वाक्य की जगह पर हम एक शब्द ही प्रयोग कर सकते हैं। इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अकेले ही अनेक शब्दों अर्थात पूरे शब्द समूह का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं बेटा। उपकार करने वाला, ये पूरा एक वाक्य है और इसकी जगह पर हम उपकारी शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हुआ? उपकारी। ठीक, इसका दूसरा उदाहरण है जिसका नाम न हो, अनाम। ठीक, तीसरा चुगली करने वाला, चुगलखोर। तो बच्चों, एक बार फिर बता रही हूं मैं कि पूरे वाक्य को संक्षिप्त करके जब हम एक ही शब्द में उस पूरे वाक्य का सार कह पाए तो उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। परीक्षा लेने वाला, परीक्षक। मतलब इस पूरे वाक्य के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वाक्यांश और ये हुआ एक शब्द। ठीक, 10 वर्ष का समय, दशक। कम बोलने वाला, मितभाषी, जिसे भय ना हो, निर्भय। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। तो बच्चों, ये कुछ वाक्य हैं जिनकी जगह पर ये एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द। धन्यवाद।